लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑटो वगैरह यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोगों को टिकट मिल चुका है आना सागर का। जो यहाँ से देखते हैं हम दो लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं, आना सागर से एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ी झील है जो यहाँ से दिखाई जाएगी। फाइनली दोस्तों यहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है जो साउंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। फाइनली दोस्तों हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे झील है जो काफ़ी बड़ी झील है। ये देखिए सामने पहाड़ ही इलाका है जो सामने बस्ती हुई है जो यहाँ पे हम लोग पहुँचने के बाद में वहाँ पे आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए उस साइड में टापू बना हुआ है। फाइनली गाइस दोस्तों ये देखिए आना सागर है यहाँ पे। ये पानी यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहता है, उछलता रहता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस साइड में जो टापू बना हुआ है बीच में, जरा आप लोग जूम करके दिखा रहे हैं हमें लोगों को। ये देखिए टापू बना हुआ है, ये पानी के बीचों बीच बना हुआ है। ये सागर ये देखिए इस साइड में सारी पहाड़ी इलाका ही है। फिलहाल यहाँ पर मैक्सिमम ठंड पड़ती है, ज़्यादा कोई ठंड नहीं पड़ती है। देखिए राजा भाई जो है हमारे वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से हम सबकी। देखिए फाइनली गाइस दोस्तों चलते हैं अब दूसरे साइड हम लोग। राजा जी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये आना सागर है, यहाँ पे मछलियाँ भी मिली हैं और यहाँ से टापू बना हुआ है। टापू ये देखिए जो सामने हमने बताया जैसा कि टापू बना हुआ है, वही राजा जी बोल रहे हैं। टापू पे जाने के लिए यहाँ पे आपको नाव मिल जाएगी, लेकिन टाइम पे नाव नहीं चल रही है, पानी का बहाव ज़्यादा लग रहा है। नाव जो है नाव कलेक्ट करती है, नाव वगैरह रुकी पड़ी है जैसे बोल रहे हैं। पानी की वजह से जो पानी में बहुत है इस टाइम पर आउट ऑफ कंट्रोल है, इसे कंट्रोल ना किया जैसा जा सकता है बोट की मदद से। मोबाइल भी जो है हवा में रुक ही नहीं पा रहा है, पानी की लहर बहुत ही ज़्यादा तेज है। चलिए दूसरों की साइड चलते हैं, यहाँ पर चल रहे मेरा। फाइनली गाइस यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है,
फाइनली गाइस दोस्तों हम लोग आना सागर आ चुके हैं और घूम भी रहे हैं यहाँ पे। आना सागर में काफी पिक वगैरह ले लिया हमने। बाकी जो बोलना है राजा जी, देखो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं सुनने का। बहुत मजा आया और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फोटो भी खिंचाई है, यहाँ पे फोटो प्लेस है, आप फोटो जाके इंस्टाग्राम लिंक हम डाल देंगे, इसमें देख लीजिएगा फोटो हम लोगों ने खींची है। ये देखिए पीछे फोटो पिक वगैरह खींचने के लिए काफी मस्त जगह है। बाकी यहाँ से बोटिंग वगैरह जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए सामने अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं अगर बोट का प्राइस सही रहा तो हम लोग अभी बोटिंग करेंगे यहाँ पे। राजा जी बोल रहे हमको डर लग रहा है बोटिंग के लिए। राजा जी पहले से ही मना कर रहे हैं हमको बोटिंग नहीं करना है। तो दोस्तों ये देखिए पीछे इस साइड में काफ़ी ज़्यादा आना सागर जो है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सुंदर झील जो है यहाँ की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पे अभी तक हम लोगों को झरने एक भी नहीं मिले हैं। झरने आ रखे हैं वो तो नैनीताल में ही काफ़ी मस्त है। फाइनली दोस्तों हम लोगों का टाइम लगभग एक बजने वाला है, अभी कुछ मिनट कमी है। ये देखिए यहाँ से पीछे पहाड़ियों का जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त व्यू आ रहा है। हवा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। देखते हैं यहाँ से बोटिंग स्टूडियो है, यहाँ से बोट वगैरह का टिकट वगैरह बाय करना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पे अभी पता करते हैं क्या रेट है क्या कुछ है, सब कुछ पता करने के बाद अभी हम लोग बता रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमको लग रहा है बोटिंग का चार्ज काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, इसीलिए सारे के सारे बोट खाली खड़े हैं ऑलरेडी। कोई बंदा जो है अभी तक ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है बोट पे। देखते हैं बाकी अभी हम लोग वहाँ पे जाने के बाद में अभी पहुँच रहे हैं वहाँ पे, फिर अभी हम लोग अभी बताएंगे। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है जो हमको लग रहा है काफ़ी पुराना ब्रिज है। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड में, देखते यहाँ से पानी की आवाज़ें आने लगी हैं। पुष्कर जाओगे, पुष्कर वगैरह घूमने भाई पुष्कर। देखिए दोस्तों ये ब्रिज राजा जी को रोक लिया बोल रहे हैं पुष्कर टहलने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मछली देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें मरी हुई पड़ी हैं। जरा कैमरा बैक करके हम अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। फाइनली ये देखिए दोस्तों यहाँ का उधर रास्ता है, उधर जाइए, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती। फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मछली जो काफी ज्यादा हमको लग रहा है मरी हुई पड़ी है यहाँ पे। इस साइड में पानी इधर जा रहा है। ये देखिए राजा जी वहाँ पर रुके हुए हैं। ये देखिए सामने पहाड़ ही बहुत ऊंचाई पे है। फाइनली हम जा रहे हैं टिकट का प्राइस पता करने, अभी हम लोग बताएंगे अभी क्या टिकट का प्राइस रहा है यहाँ पे। देखिए शिप में बंदे लोड हो चुके हैं, बंदे घूमने के लिए निकल चुके हैं शिप से। तो फाइनली दोस्तों हमने बोट का प्राइस पता किया, जो वाटर के अंदर जो राउंड होता है उसका चार्ज बोल रहे हैं 120 रुपये। बाकी जो अंदर टापू बना हुआ था उसका चार्ज 160 रुपये बोल रहे हैं 160। तो टोटल मिला के चार्ज दोनों का मतलब पड़ रहा है। हम जाने के लिए कह रहे थे, उसके बाद राजा जी बोल रहे हैं हमको डर लग रहा था पानी के ऊपर, एक तो इसमें लहर वगैरह बहुत ही ज़्यादा आज चल रही है हवा की वजह से, तो बाकी इसलिए हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। बाकी दोस्तों चलते हैं आप राजा जाने का कहाँ पे प्लान है? पुष्कर जाने का आप जो है प्लान है हम लोगों का, यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, अब पुष्कर में मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। फिलहाल जाने के बाद में पुष्कर का क्या माहौल है वहाँ पे हम लोग अभी दिखाएंगे। कहेंगे पुष्कर और पुष्कर के रास्ते में महाराणा प्रताप की स्मारक पड़ती है।